हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव पुलिस ने अग्निपथ योजना के नाम पर हंगामे की रची जा रही एक साजिश का वक्त रहते पर्दाफाश कर दिया। उन्नाव पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में सपा का जिला पंचायत सदस्य भी शामिल है। ये लोग एक ग्रुप बनाकर विरोध प्रदर्शन और जाम लगाने के लिए उकसाने वाला एक मैसेज वायरल कर रहे थे। इस मैसेज को ग्रुप के 4 अन्य सदस्यों ने वायरल कर युवाओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया था, लेकिन इससे पहले ये युवक कामयाब हो पाते पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मरावा थाने में कुछ लोगों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एक इकबाल जिंदाबाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा था और धरना और जुलूस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस ग्रुप पर समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और भी अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोरिलेशन नहीं था, ना ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। जो ग्रुप के एडमिन थे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। शेष 5 अन्य सदस्यों को निरोधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना का विरोध करने का प्लान उन्नाव में कुछ युवक मिलकर बना रहे थे। थाना मोरावा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिलौरी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य अंकित यादव और उसके साथी गोविंद कुशवाहा ने 3 दिन पहले इंकलाब जिंदाबाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। आरोपों के मुताबिक इस ग्रुप में कई युवकों को जोड़कर धरना प्रदर्शन करने के संबंध में भड़काऊ मैसेज वायरल किया गया। पुलिस ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयार थी। पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रही थी, लिहाजा ये मैसेज पुलिस के हाथ लग गया। वायरल हुए मैसेज में धरना प्रदर्शन का जिक्र किया गया है। मैसेज में मोरावा के अकोरी चौराहा से जुलूस निकालने की तैयारी करने अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध करने का प्लान बनाया गया था। वायरल मैसेज की भनक लगते ही मोरावा थाने की पुलिस टीम ने इसकी जाँच की। जाँच में ये बात सामने आई कि ग्रुप के एडमिन और ग्रुप के अन्य कोई सदस्य का आर्मी से कोई रिलेशन नहीं है और न ही इनमें से कोई युवक आर्मी की तैयारी ही कर रहा था। यह लोग सिर्फ माहौल खराब करने के उद्देश्य से इस मैसेज को वायरल कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने मोरावा के रहने वाले गोविंद कुशवाहा, सपा नेता अंकित यादव को सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के 3 अन्य सहयोगी एडमिन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मोरावा थाना पुलिस ने आरटीआई एक्ट में मुकदमा दर्ज कर ये कार्रवाई की है। संवाददाता आजाद सुजीत भैरव की रिपोर्ट, पूर्वा, उन्नाव, यूनिजूपी।